इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल एयरपोर्ट से दिल दहलाने वाली तस्वीर आई सामने। कई महिलाओं ने अपने छोटे छोटे बच्चों को जान बचाने के लिए अमेरिकी सुरक्षा बलों के हवाले किया। बच्चों को अपने हाथ में लेने के लिए काबुल एयरपोर्ट की दीवार पर सीढ़ी लगाकर चढ़े अमेरिकी जवान। दीवार पर लगी कटीली तार के बीच मासूम को ले गए अंदर। काबुल एयरपोर्ट पर सैकड़ों लोग अपने बच्चों को लेकर पहुंचे। अमेरिकी सैनिकों की नजर पड़ने के लिए बच्चों को हाथ में ऊपर उठाया। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी आज भी जारी। देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहे लोगों पर तालिबान के लड़ाकों ने फायरिंग की। काबुल एयरपोर्ट के बाहर आज भी भारी भीड़। एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे हजारों लोग। एयरपोर्ट के बाहर अफरा तफरी। तालिबान के खिलाफ लोगों में बगावत तेज। अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर लोगों ने फहराया 200 मीटर का लंबा राष्ट्रीय झंडा। अफगानिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। काबुल के अब्दुल हक चौराहे पर एक शख्स ऊंचे पोल पर चढ़ा तालिबान के झंडे की जगह अफगानिस्तान के झंडे को लहराया। अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर काबुल समेत कई शहरों में निकाली गई रैली। तालिबान लड़ाकों के सामने महिलाओं ने झंडे के साथ रैली निकाली। जगह जगह अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज देखकर बौखलाए तालिबान ने एक शख्स से झंडा छीन करके पिटाई। जगह जगह राष्ट्रीय झंडे देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हुए तालिबान के लड़ाके। एक कार को रोककर झंडा छीना, कार सवार को पिटा। एक महिला ने राष्ट्रीय झंडा छीने जाने का विरोध किया, राष्ट्रीय ध्वज को चूमा, कहा इससे मेरा कफन बना दो। तालिबान ने बकगीस में पुलिस चीफ हाजी मुल्ला की खौफनाक तरीके से हत्या की। आंखों पर पट्टी और हाथों को बांधकर गोलियां बरसाई। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस में घुसा तालिबान। अफगानिस्तान का पूर्व क्रिकेटर अब्दुल्ला मजारी भी साथ। पूर्व क्रिकेटर अब्दुल्ला मजारी है तालिबानी समर्थक। तालिबान को पसंद है क्रिकेट, अफगान क्रिकेट बोर्ड। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान से गिरने से हुई मौत मामले में खुलासा हुआ। मारा गया शख्स अफगानिस्तान का फुटबॉलर जाकी अनवरी था। तालिबान टेरर के कारण काबुल से लोगों को निकालने के मिशन में अड़ंगा। 14 अगस्त से अभी तक केवल 7,000 सिविलियन ही पहुंचे अमेरिका। फिर आई अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर से हैरान करने वाली तस्वीरें। एक विमान में सैकड़ों लोग हुए रवाना। काबुल से रेस्क्यू किए गए सैकड़ों अफगान नागरिक पहुंचे कतर। अमेरिकी फौज ने कतर के एक हैंगर में रखा है। हैंगर में सैकड़ों लोगों के लिए केवल एक टॉयलेट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से भारत ने आतंकवाद पर दुनिया को चेताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर का संबोधन, कहा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इसे समझौता नहीं करना चाहिए। एस जयशंकर ने भारत में हुए आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को घेरा, कहा भारत लंबे वक्त से सीमा पार से आतंकवाद का शिकार है। जयशंकर ने कहा कोरोना और आतंकवाद एक जैसे, जब तक सब सुरक्षित नहीं होंगे कोई सुरक्षित नहीं होगा। अफगानिस्तान में फंसे और भारतीयों को निकालने के लिए तैयारी। वायुसेना का ग्लोब मास्टर विमान पहुंचा है तजाकिस्तान। काबुल लैंड करने की अभी तक इजाजत नहीं मिली। लैंडिंग की मंजूरी मिलते ही C-17 से भारत लाए जाएंगे 280 लोग। इसमें 220 भारतीय और 60 अफगानिस्तान के नागरिक शामिल। वायुसेना का एक विमान हिंडन एयरबेस पर भी तैनात। वायुसेना विमान के काबुल में लैंडिंग के लिए नेटो सेनाओं के साथ चल रही है तालमेल। काबुल गुरुद्वारा कमेटी संघ तालिबान ने की मीटिंग, कहा हिंदुओं सिखों को नहीं किया जाएगा परेशान। अफगानिस्तान के हालात पर नेटो की आज इमरजेंसी मीटिंग, 30 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अफगानिस्तान के हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक। काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन को लेकर हुई चर्चा। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा अफगानिस्तान में समावेशी सरकार बनाने की कोशिश जारी है। तालिबान के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल होंगे। तालिबान प्रवक्ता ने कहा हम दूसरे देशों से चाहते हैं अच्छे संबंध, अपने देश की धरती का आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे इस्तेमाल। तुर्की के राष्ट्रपति ने तालिबान का खुलकर समर्थन किया, कहा जरूरी हुआ तो तालिबान सरकार से करेंगे बात। रूस के विदेश मंत्री ने कहा तालिबान को मान्यता देने की जल्दबाजी नहीं है, लेकिन तालिबान से मिले सकारात्मक संकेत। अफगानिस्तान को लेकर ओवैसी ने दिया है विवादित बयान। तालिबान के अत्याचार की तुलना भारत से की, कहा भारत की महिलाओं की हालत पर चर्चा क्यों नहीं। ओवैसी ने पूछा अखलाक पीलू खान तबरेज की पत्नी की चर्चा क्यों नहीं होती, सभी की भीड़ के हाथों हुई थी मौत। समाजवादी पार्टी हबीबुर रहमान के बेटे ने भी तालिबान की तारीफ की, कहा अफगानिस्तान की बर्बादी के लिए तालिबान जिम्मेदार नहीं। अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकाले जाने पर जेडीयू नेता गुलाम रसूल का आपत्तिजनक बयान, कहा मुसलमानों को वहां क्यों छोड़ा गया। त्रिपुरा के बीजेपी विधायक अरुण चंद्र भौमिक के बयान पर विवाद हुआ। समर्थकों से तालिबान के स्टाइल में टीएमसी कार्यकर्ताओं से मुकाबला करने को कहा, पार्टी ने बयान से पल्ला झाड़ा। थोड़ी देर में पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी सोमनाथ समुद्र दर्शन पैदल पथ और सोमनाथ म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे। करीब 47 करोड़ रुपए की लागत से बना है समुद्र दर्शन पैदल पथ। पीएम मोदी नवीनीकरण के लिए गए अहिल्या बाई होलकर मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा श्री पार्वती मंदिर की भी आधारशिला रखेंगे। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में एनकाउंटर। पंपोर इलाके में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया। कुलगाम में आतंकियों ने अपनी पार्टी के नेता गुलाम हसन की गोली मारकर हत्या की, आतंकी की तलाश जारी।
श्रीनगर के सराफ कदल में सीआरपीएफ काफिले पर ग्रेनेड से हमला हुआ, दो पुलिसकर्मी घायल हुए। असम राइफल्स की लोंगलाई बटालियन ने मिजोरम में भारत म्यांमार सीमा के पास हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया। तीन पिस्टल, 174 कारतूस, 3 किलो विस्फोटक, 9 डिटोनेटर और मोबाइल फोन आईडी बरामद। एनआईए ने अमृतसर में ड्रोन से विस्फोटक गिराने के केस को अपने हाथ में लिया, टिफिन में मिले थे विस्फोटक। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमीत सिंह सैनी की रिहाई का आदेश दिया, गिरफ्तारी को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 77वीं जयंती, आज राहुल गांधी ने वीर भूमि में जाकर श्रद्धांजलि दी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ने भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि, ट्वीट कर दिया ट्रिब्यूट। सोनिया गांधी ने आज बुलाई विपक्ष की बड़ी बैठक, शरद पवार, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे समेत कई नेता होंगे वर्चुअली शामिल। संजय राउत ने कहा सोनिया की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे उद्धव ठाकरे, 2024 लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। दिल्ली पहुंचे यूपी के सीएम योगी, चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक में शामिल, जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। आरजेडी में बढ़ा विवाद, तेज प्रताप बोले प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी की किसी भी गतिविधि में नहीं लूंगा भाग। तेज प्रताप के बयान पर बोले जगदानंद सिंह, मुझे नहीं पता कि वो नाराज हैं, वो छोटी सी बात का मुद्दा बनाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा पर भारी सियासत, राणे के बाल ठाकरे स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के बाद शिव सैनिकों ने दूध और गौमूत्र से किया शुद्धिकरण। नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, आयोजकों के खिलाफ कुल 7 एफआईआर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बशीर चौधरी गिरफ्तार, बशीर के खिलाफ आगरा में दर्ज हुआ था ट्रिपल तलाक का मामला। कटक के सांसद भर्तुहरी महताब की बहू ने पुलिस में शिकायत की है, पति और सास ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, मामला दर्ज हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा उम्मीद करता हूं 2024 तक कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष चुन ले। ओबीसी बिल बना कानून, राष्ट्रपति ने किए हस्ताक्षर, अब राज्यों को अपनी ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार। 16 महीने बाद कल से रात में हो सकेगा ताजमहल का दीदार, प्रशासन ने इसी महीने सप्ताह में 3 दिन 150 लोगों को एंट्री की इजाजत दी। भारतीय सेना के जवानों ने किया गन ड्रिल का प्रदर्शन, ईस्ट सिक्किम में हुआ गन ड्रिल का प्रदर्शन। बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 5 एम्बुलेंस दान की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस रवाना की। अनिल देशमुख ने लिखा खुला पत्र, कहा कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईडी के सामने खुद पेश होऊंगा। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह पर लगा 25,000 रुपए का जुर्माना, जस्टिस चांदीवाल कमेटी के सामने नहीं हुए थे पेश। मुहर्रम को लेकर लखनऊ में सुरक्षा सख्त, लगातार दूसरे साल मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी लगी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर के रायगढ़ तक के लिए किया ट्रेन का सफर, लोगों से रेलवे सेवाओं के बारे में बातचीत की। देश में एक दिन में कोरोना के 36,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, 24 घंटे में 543 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 21,116 नए संक्रमित केसेस, 24 घंटे में 197 लोगों ने गवाई जान। पश्चिम बंगाल के कलबुर्गी के बाजार में वर्मा लक्ष्मी पूजा का सामान लेने के लिए उमड़ी भीड़, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोग बाजार में पहुंचे। कर्नाटक सरकार ने राज्य में गणेश चतुर्थी के पब्लिक सेलिब्रेशन पर रोक लगाए, कोरोना महामारी के चलते फैसला। यूपी के मुरादाबाद की जेल से 3,350 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है और 1,752 लोगों को दूसरी डोज लगी है। श्रद्धालुओं ने किया खोला नया कामाख्या मंदिर, 1 घंटे में 20 लोगों को दर्शन करने की अनुमति, वैक्सीन की दोनों डोज लगाने वालों को ही मिलेगी एंट्री। यूपी के गोरखपुर के निचले इलाके हुए जलमग्न, राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी भरा। दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल ने सुमेपुर बादली में फायर ब्रिगेड के एक जवान से की बदसलूक की, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कांस्टेबल पर केस दर्ज। भिवानी में एक शख्स को 3 से 4 लोगों ने दिन दहाड़े लाठी और डंडों से पीट पीट कर अधमरा किया, बेखौफ बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी के अमरोहा में एक व्यक्ति को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल, एक आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और सर्विलांस एसओजी की टीम ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया, 2 गिरफ्तार 2 फरार। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस कर्मियों को वर्दी में ड्यूटी करने के आदेश दिए, सीएसपी और एडिशनल एसपी को निगरानी में रखने का निर्देश दिया। तेलंगाना में हैदराबाद पुलिस ने जाली नोट छापने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया, 16 लाख रुपए की फेक करेंसी बरामद। मिजोरम में 2 अलग अलग जगह पर असम राइफल्स ने विदेशी मूल के सिगरेट के 502 केसेस बरामद किए, जब्त सामान की कीमत 6,52,00,000। अफगानिस्तान में तख्ता पलट होने से सूरत के कारोबारियों का भारी नुकसान, बुरके के लिए 400 से 500 करोड़ रुपए का कपड़ा जाता था अफगानिस्तान। नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर कलेक्शन एजेंट से 15 लाख लूट कर फरार, पुलिस जांच में जुटी।
कुल्लू में वैष्णो देवी मंदिर के पास एक बस में भीषण आग लगी। पार्किंग में खड़ी थी बस, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रक्षाबंधन पर उत्तराखंड की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी महिलाएं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। अमेरिकी संसद के बाहर विस्फोटक से लदे संदिग्ध ट्रक की खबर से मची सनसनी, दावा करने वाले शख्स को सरेंडर किया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया, ट्रक की जांच जारी, आरोपी के घर की तलाशी। मेक्सिको में चक्रवात ग्रेस से भारी तबाही, सड़कों पर गिरे रोड साइन के पिलर, गैस स्टेशन की छत गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान। नॉर्थ कैरोलिना में तूफान के बाद बाढ़ और मड स्लाइड्स का बढ़ा खतरा, बिना बिजली के रह रहे हैं हजारों लोग। चीन के सिचुआन में भारी बारिश का कहर, जल भराव और लैंडस्लाइड से लोग प्रभावित हुए। पुर्तगाल के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, हेलीकॉप्टर से गिराया जा रहा है पानी, करीब 9000 हेक्टेयर जंगलों को पहुंचा नुकसान। एथेंस में जंगलों की आग का कहर जारी, हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश। क्रोएशिया के हवर्ड में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने के लिए भेजे गए 50 ट्रक और 3 स्पेशल प्लेन। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले पोलैंड की मारिया आंदजेके ने अपना मेडल नीलाम किया, 8 महीने के बच्चे की हार्ट की सर्जरी के लिए अपने मेडल को नीलाम किया। यूपी के सीएम योगी ने ओलंपिक पदक विजेताओं को दिया सम्मान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहे मौजूद। योगी सरकार ने नीरज चोपड़ा को 2 करोड़, रवि धैया को 1.5 करोड़ और अन्य खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया। योगी सरकार का ऐलान, चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर मिलेगी सीधी भर्ती, डिप्टी एसपी के पद पर भी बनी सहमति। बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी के शेड्यूल में किया बदलाव, अब 5 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगा टूर्नामेंट। फास्ट एंड फ्यूरियस 10 की रिलीज का ऐलान, 7 अप्रैल 2023 में अमेरिका के सिनेमाघरों में आएगी फिल्म। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न ने पंकज त्रिपाठी को दिया सम्मान, एक्टर को डायवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से नवाजा गया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।